दोस्तों, क्या आपने कभी मूंगफली की खेती के बारे में सुना है? और मूंगफली की खेती कब और कैसे की जाती है आपको पता है? और कैसे उगाई जाती है मूंगफली? और मूंगफली की खेती करके कैसे कमा रहे हैं किसान लोग लाखों रुपए? और मूंगफली की बुवाई कब और कैसे की जाती है? और कैसे बनती है मूंगफली? और मूंगफली की कटाई हाथों से की जाती है या मशीनों से? और आपको पता है दुनिया की सबसे मूंगफली कौन सी है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, आज हम इस टाइम पास बादाम के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग मूंगफली के नाम से भी जानते हैं, जो मार्केट में आसानी से 100 से 200 रुपए किलो के भाव में मिल जाती है। इसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है। खाने में इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है और मूंगफली के दाने में कई तरह के प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए तो कई डॉक्टर खासकर दिमाग के मरीजों को दवाई की बजाय इस मूंगफली को खाना सजेस्ट करते हैं। और तो और, ये हमारे शरीर को फिट रखने में भी मदद करता है। हालांकि इसके बहुत ज्यादा सेवन से हमारे शरीर में फायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं, जिसका मोटापा एक मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब जानते हैं कि मूंगफली तैयार कैसे होते हैं। शायद आप जानते होंगे कि मूंगफली के कई सारे वैरायटी जाते हैं। हर वैरायटीज के मूंगफली को उगाने का समय भी अलग अलग होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूंगफली साल के 12 महीनों में उगाया जा सकता है। तो सबसे पहले खास किस्म के इम्पोर्टेड मूंगफली के बीजों को खेतों में ऐसे बो दिया जाता है। बो देने के बाद मिट्टी के ऊपर ब्लैक पॉलीथीन का लेयर को कुछ इस तरह के मशीनों की सहायता से चढ़ाया जाता है, जिससे मिट्टी के नमी वाष्पीकृत नहीं हो पाते हैं और कड़ी धूप होने के कारण भी मिट्टी में कई दिनों तक नमी बनी रहती है। इससे लगातार खेत में पानी देने की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो खेतों में पॉलीथीन को बिछा देने के बाद बीज से पौधा तैयार होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तभी पौधों के जड़ों में मूंगफली भी आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब बारी आती है तैयार पौधों के हार्वेस्टिंग की। वैसे भारत में ज्यादातर इनकी हार्वेस्टिंग हाथों से ही की जाती है, लेकिन जापान जैसे आधुनिक देशों में मूंगफली हार्वेस्टिंग का ये काम इन बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में लगे मशीनों से किया जाता है। भारत में तो इस काम को करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन वही यहाँ मशीन इस काम को कुछ ही घंटों में निपटा देती है। तो अब सारे मूंगफलियों से लगे इन पौधों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर वर्कर से पौधों में लगे सारे मूंगफलियों को इस मशीन की मदद से अलग करते हैं, जिसके बाद आगे अलग हुए मूंगफली इस वाइब्रेटिंग मशीन के जरिए गुजरते हैं, जिससे मूंगफली के ऊपर लगे हल्के फुल्के मिट्टी साफ हो जाते हैं और आगे वर्कर्स इनके ऊपर लगे रेशेदार डंठलों को तोड़कर अलग कर देते हैं, जिसके बाद अगले प्रोसेस में इनको साफ करके गर्म पानी में उबाला जाता है और बाद में इनको गर्म हवा में भी सूखा लिया जाता है। तो फाइनली सबसे अंतिम प्रोसेस में उनको छोटे बड़े पैकेट्स में भरकर आप और हम तक दुकानों में बिकने के लिए भेज देते हैं। वैसे मूंगफली के स्वाद आपको खाने में कैसा लगता है और आपको मूंगफली के बारे में जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना।